अस्सलाम वालेकुम, खुशाब ऑनलाइन स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप का पहला राउंड जो है मुकम्मल हो चुका है। दो बार की चैम्पियन, दो बार की फाते वेस्ट इंडीज T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है क्वालिफाइंग राउंड में ही। आयरलैंड ने जो है आज एक और अपसेट किया है। इससे पहले भी आयरलैंड की टीम कई अपसेट कर चुकी है सबका वर्ल्ड कप में। पिछले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भी एक दफ़ा उन्होंने बाहर किया था वर्ल्ड कप से, इंग्लैंड को भी जो है चने चबवाए थे, न्यूजीलैंड के लिए भी परेशानी क्रिएट की थी, और इस तरह के कई अपसेट जो है पिछले वर्ल्ड कपों में वो कर चुकी है। तो आयरलैंड ने जो है फिर आज एक अपसेट किया है और दो बार की वर्ल्ड चैम्पियन T20 की वेस्ट इंडीज़ को वापसी का टिकट दिया है और घर भेज दिया है, और ख़ुद जो है क्वालिफाई कर गए हैं सुपर 12 मरले के लिए। तो इस तरह जो है यहाँ पर आज स्कॉटलैंड की टीम जो है वो भी फारग हो गई है। दिलचस्प मुकाबले के बाद जो है आज जिम्बाब्वे ने उनको शिकस्त दी है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा मुकाबला हुआ जिम्बाब्वे के और स्कॉटलैंड के दरमियान भी, और इससे पहले वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड का भी बहुत अच्छा मैच हुआ। वेस्ट इंडीज़ ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था, लेकिन एक अच्छा रन नहीं बना सके, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की है वहाँ पर आयरलैंड के बैट्समैनों ने, खासकर जो है वहाँ पर उनके एक पॉल स्टर्लिंग ने क्या खूब इनिंग खेली है, बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली है और खूब पिटाई की, ज़बरदस्त पिटाई की वेस्ट इंडीज़ बॉलर की, और वेस्ट इंडीज़ को बाहर कर दिया है और ख़ुद क्वालिफाई कर लिया है T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मरहले के लिए। तो इस तरह दोस्तों श्रीलंका, नैदरलैंड, आयरलैंड और जिम्बाब्वे की टीमें जो है T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मरहले के लिए जो है क्वालिफाई कर चुकी हैं, और जो है इस तरह अब जो है स्टेज की पोजीशन ये है, ग्रुप ए में पहले नंबर पे आई है श्रीलंका, नैदरलैंड दूसरे नंबर पे है, ग्रुप बी में जिम्बाब्वे पहले नंबर पे है और आयरलैंड जो है वो दूसरे नंबर पे है, और सुपर 12 मरहले के जो ग्रुप 1 और 2 हैं उसमें ग्रुप 1 में आ गई है यहाँ पर आयरलैंड और श्रीलंका की टीमें, ग्रुप 2 में चली गई हैं नैदरलैंड और जिम्बाब्वे की टीमें। यानी पाकिस्तान का जो ग्रुप है उसमें जिम्बाब्वे और आयरलैंड की टीमें जो है नैदरलैंड की टीमें आ चुकी हैं। नैदरलैंड और जिम्बाब्वे पाकिस्तान के ग्रुप में आ चुकी हैं ग्रुप 2 में। पाकिस्तान के लिए जो है अच्छी खबर ही है, क्योंकि आयरलैंड जो है पाकिस्तान को परेशान कर चुकी है एक दो मरतबा काफ़ी ज़्यादा, तो इस मरतबा जो है आयरलैंड दूसरे ग्रुप में है। श्रीलंका ने जो है एशिया कप में पाकिस्तान को हराया था फाइनल में, तो श्रीलंका भी ग्रुप 1 में है, तो पाकिस्तान के लिए फिलहाल तो अच्छी खबरें हैं यहाँ पर, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं। सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक टफ टीम है वहाँ पर तो इंडिया है ग्रुप 2 में, और उसके अलावा जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, नैदरलैंड, बांग्लादेश, इन टीमों से जो है तकरीबन पाकिस्तान के यहाँ पर चांसेस जीतने के ज़्यादा होते हैं। कभी कभार तो फिर अपसेट हो ही जाते हैं, हार हो जाती है, लेकिन तब पाकिस्तान जो है इनके मुकाबले में सब में बेहतर है। यहाँ पर ग्रुप में इंडिया और पाकिस्तान दो बेहतरीन और बेस्ट टीमें हैं ग्रुप 2 में, जबकि ग्रुप 1 जो है उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इंग्लैंड चार टीमें जो हैं बहुत यहाँ पर मजबूत हैं, जिनमें जो है अच्छे मुकाबले होंगे, टाकरे के मैच होंगे, और आयरलैंड भी यहाँ पे मौजूद है जो कि अक्सर अपसेट करती रहती है। ये पोजीशन है T20 वर्ल्ड कप की।